सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले के तौसर गांव में रविवार को अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के दल पर अतिक्रमणकारियों ने हमले में जेसीबी ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि प्रशासन और पुलिस के बीच करीब 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए रविवार को प्रशासन का दल अतिक्रमण हटाने गया था, जहां बंजारा परिवार ने पहले जेसीबी मशीन पर पत्थरबाजी की और जब चालक बचाव के लिए भागा तो भीड़ ने उससे मारपीट की। घायल 40 साल के ड्राइवर फारूक को इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इससे मामले में 2 विधायकों समेत 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में मेड़ता सिटी विधायक इंद्रा बावरी और उनके पति भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग सहित करीब 300 लोगों के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करने और लोगों को उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल SP ने बताया कि तौसर गांव में करीब 79 बंजारा परिवारों ने 1 से 1.5 किलोमीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के घर बना रखे हैं। इस मामले में सुप्रीम और हाई कोर्ट के आदेशों का पालना करते हुए रविवार को प्रशासन का दल अतिक्रमण हटाने गया था, जहां बंजारा परिवारों ने पहले जेसीबी मशीन पर पत्थरबाजी की और जब चालक बचाव के लिए भागा तो भीड़ ने उससे मारपीट की। एडिशनल SP ने बताया कि चालक फारूक को इलाज के लिए एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। सिंह ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।